आज आप लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है और ये कहां से इसकी शुरुआत हुई है? इसकी डुमरियागंज के जुलूस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत तकरीबन 100 साल से ज्यादा का अरसा हो रहा है। हमारे पूर्वजों और हमारे बुजुर्गों ने इस जुलूस से मोहम्मदी का रिवाज कायम किया था। जुलूस ए मोहम्मदी डुमरियागंज की ये तारीख रही है कि लाखों का मजमा इंसानियत का पैगाम देते हुए अपने आका की मिलाद पर दरूद ओ सलाम पढ़ते हुए भारत और अपने मुल्क हिंदुस्तान की अमन ओ अमान के लिए दुआएं करता हुआ गुजरता है। आज एक बार फिर से हम माहे मिलाद में अपने पैगंबर के तारीख आमद पर पूरे हिंदुस्तान में अमन ओ अमान, सालमियत, इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रयासरत हैं और यहां से हम इस गंगा जमुनी तहजीब को नई जिंदगी और नया आयाम देने का काम करेंगे। आज आप लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जुलूस कोई आज नया जुलूस नहीं है। सबसे पहले तो जुलूस के बारे में ये बता दूं, ये जुलूस ही नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल त्यौहार है। आलमी तौर पे ये त्यौहार है जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस जुलूस निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है। इस जुलूस के मौके पर हम ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि आज के दिन वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और आज इनकी तारीफ में आप दुनियागर में जलवा कर दुनिया में जलवा कर हुई है। बिलखसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना पूरी कायनात के लिए खुशी का मौका है, इसलिए कि आपने रुकती हुई इंसानियत को सहारा दिया है, तड़पती हुई इंसानियत को आपने सहारा दिया है, यतीमों का हक, बेवाओं का हक आपने देकर ये बता दिया है। जब भी आएगा हमारे चाहने वाले, मेरे मानने वाले जुलूस ए मोहम्मदी के मौके पर मेरे दिए हुए संकेत अमन और शांति के पैगाम को दुनिया भर में आम करने का काम करते हैं। इसीलिए हम भी जुलूस ए मोहम्मदी से सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि हम जुलूस ए मोहम्मदी के नाम पर शांति का पैगाम देते हैं।